चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एफएल स्टूडियो में एलन वॉकर फेडेड जो है उसको कैसे बनाते हैं वो बताता हूँ। तो सबसे पहले आप अपने एफएल स्टूडियो में टेम्पो जो है वो सेट कर लें 128, ठीक है। और पैटर्न तो आपको नॉर्मली बनाना आता ही होगा ना, सिंपल 4x4 का डीजे बीट का जो पैटर्न है वो चलेगा। एक तो देखिए, ठीक है, और एक चलेगा इसमें फिल वाला पैटर्न चलेगा। फिल होता है ये, मतलब बीट के साथ स्नेयर वगैरह लगा के जो बजाते हैं, देखिए। तो ये तो क्रैश कहाँ गई हमारी भाई, क्रैश 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 अबव क्लाउड एफ पी सी हाई हैट स्नैप क्रैश, ये स्नेयर हो गया, ठीक। ये है हमारी क्रैश, कहाँ गई क्रैश, ये क्रैश का हमने बना लिया है बटन, ठीक है। ऐड कर लेते हैं इसमें FPC, ऐड कर लेते हैं अपना, ठीक। क्रैश हमारी इसमें आ जाएगी, क्रैश हमने ऐड करना है फर्स्ट और फिफ्थ बीट पर, ठीक है। सुनते हैं एक बार, देखिए। ठीक, अब हमें सबसे पहले बनाना है बेस, ठीक है। तो बेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैंने ऑलरेडी पहले से बना रखा, प्रीसेट मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ था। चलिए मैं इसको एक बार फिर से आपके सामने बना के दिखा देता हूँ पूरा। ऊपर से यहाँ से इसको सेलेक्ट करिए, और कितनी बीट तक आपने करना है इसको, 1, 2, 3 और 4 बीट तक पूरा आपने सेलेक्ट करके रखना है इसको, ठीक है। हाँ जी, सीक्वेंसर में हमारा सेलेक्टेड है। बेस के लिए मैंने वैसे जो नॉर्मली यूज़ किया है मैं आपको बता देता हूँ, बेस के लिए ट्रांजिस्टर जो है वो इसका स्टॉक प्लगइन ही है ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये रहा, इसमें से आपने क्या करना है, इसको नीचे से सीक्वेंसर जो इसका ऑप्शन है इसको ऑफ कर दें। जो भी आप पहले तो ऐसे बजा के इधर उधर इसके सारे खूब सारे प्रीसेट्स हैं उसको चेक कर लो, जो भी आपको पसंद आए वो सेलेक्ट करके, फिर उसके बाद सीक्वेंसर ऑफ कर दें। बेस रिकॉर्ड करना है, ठीक है। पियानो रोल खोलेंगे अपना, ठीक। 125 हमने सेलेक्ट करना है, 1, 2, 3, 4, पूरी 4 बीट हमारी सेलेक्ट हो गई है यहाँ से, ठीक है। अब मिडी कीबोर्ड आपका कनेक्ट होगा, उसको कनेक्ट कर लो मिडी कीबोर्ड को, या फिर चाहो तो नोट्स ऐसे लगा के ऐसे ही बजा सकते हो आप, ठीक है। चलिए, मैं तो नोट मिडी कीबोर्ड लगा हुआ है तो उससे करता हूँ। चलिए ठीक है, ये हमारा 4 बीट का तैयार हो गया, ठीक है जी। बेस
कहाँ गई हमारी बेस, ये रही। सुन के देखते हैं एक बार बेस कैसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा बेस तो ये तैयार हो चुका है। अब है हमें क्या करने का है, अब हमें आर्प्स जो है ना वो लगानी है अपने इसके अंदर। ठीक है, अब आर्प्स सेलेक्ट करते हैं हम। और कहाँ है भैया हमारी, खुल जा भैया पैटर्न। ये मैंने बना के रखा हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। चलिए आपके सामने दोबारा बनाता हूँ फिर। चलिए अब इसमें भी आपने सेम ऐसे ही करना है, 1 से लेके 4 बीट पूरी सेलेक्ट करके रख लें आप। ठीक है जी, नोट्स एंड ऑटोमेशन रिकॉर्ड करना है। चलिए एक बार इसको सुनते हैं। अभी हमें इसमें कुछ मज़ा सा नहीं आ रहा, एक पैड और लगाते हैं अच्छा सा। ठीक है, सेम वैसे ही करना है। पियानो रोल आपने खोलना है, 1 2 3 4, पूरी 4 बीट आपने सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, अब हम रिकॉर्ड करेंगे इसको, नोट्स एंड ऑटोमेशन। एक बार दोबारा करते हैं, गलत हो गया था। चलो फिर से। चलिए करते हैं।
चाहे तो लाइक करना, कमेंट, शेयर करना, और कुछ यदि पूछना है एफएल स्टूडियो के बारे में तो आप बताना, कमेंट करके पूछना, मैं वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, चलिए, ओके, बाय, थैंक्स।